मैं क्या कर रही हूँ यहाँ? आखिर ये सब हो क्या रहा है मेरी जिंदगी में? मैं जो कुछ कर रही हूँ क्या ये सही है? अपना नाम, अपनी पहचान बदलकर, पूजा बनकर, क्यों मैं सबके और खुद के साथ धोखा कर रही हूँ? दादी माँ, आपने मुझे चंदनपुर से यहाँ बुलाने के लिए। कंचन को देखते ही मुझे पता चल गया कि चंदनपुर काफी अच्छी जगह है, सो तेरा जब तक जी चाहे तू वहाँ रह सकता है, मुझे कोई इतराज नहीं। मगर आपने मुझे बुलाने के लिए इस तरह बीमारी का। अरे बाबा, कंचन को देखते ही मेरी सारी बीमारी दूर हो गई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे तुम्हारी पसंद पे मुझे हमेशा से विश्वास था, लेकिन तुम्हारी पसंद इतनी अच्छी होगी ये मालूम नहीं था। दादी माँ चुप। अरे कंचन बेटी, तुम तो कुछ खा ही नहीं रही, खाओ बेटा, इसे अपना ही घर समझो। वैसे तुम तो इस घर की होने वाली। दादी माँ प्लीज। अरे हाँ, तुम भी तो कुछ नहीं खा रहे। वैसे कंचन बेटी, हमारे ये घर तुम्हें कैसा लगा? जी बहुत अच्छा लगा, और आप तो बहुत ही अच्छी हैं, यू आर वेरी स्वीट दादी माँ। दादी माँ, दादी माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात है बेटा? आइए आइए, चलिए। लेकिन क्या है? जरूरी बात। एक मिनट, एक मिनट, मैं आती हूँ। ये पागल लड़का, अरे क्या क्या कर रहे हो? क्या क्या है दादी माँ, ये सब क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हूँ? सच कहूँ सिद्धांत, कंचन लड़की बहुत अच्छी है, मुझे तो बहुत पसंद आई। दादी माँ, आप क्यों बार बार उसे मुझे शर्मिंदा कर रही हैं? आपने मुझे उसे नजरें मिलाने के लायक तक नहीं छोड़ा है। एंड ट्रस्ट मी, हमारे बीच ऐसा वैसा कुछ नहीं है। वो तो अपनी भाभी के साथ किसी काम के सिलसिले में मुंबई आई है। ठीक है, फिलहाल मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, मगर सच क्या है ये तो वक्त ही बताएगा। और कभी ना कभी तो तुझे शादी करनी ही है ना? पता नहीं। क्या मतलब? तू शादी नहीं करेगा? एक बार शादी करने की कोशिश करके देख चुका हूं, अब लड़कियों से और शादीवादी से मेरा विश्वास बिल्कुल उठ चुका है। नहीं बेटे, ऐसा मत कह। मैं तो जिंदा ही इसीलिए हूं कि इन आंखों से तुम्हारा घर बसते हुए देख पाऊं। दादी माँ, आप ही की जिद पर मैंने घर बसाने की कोशिश की थी, लेकिन उसका अंजाम देख चुके हैं ना।